अमेरिकी प्रतिनिधि की स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन भड़का हुआ है। ताइवान पर अपना अधिकार जताने वाला चीन जितना भड़का है उतना ही डरा भी हुआ है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात के बाद नैंसी पेलोसी ने कहा, अमेरिका हर स्तर पर ताइवान का साथ देगा। इस बयान के बाद अब चीन और ताइवान के बीच खाई और गहरी हो गई है। चीन पहले ही कई बार हमले की धमकी दे चुका, ताइवान भी सख्त लहजे में उसका जवाब दे चुका है। रक्षा के क्षेत्र में चीन ताइवान से कहीं आगे है। इसके बावजूद ताइवान को अमेरिका का साथ मिलने से उसकी नींद उड़ गई है। जिस तरह ताकत में चीन आगे है, उसी तरह दिमाग में ताइवान आगे है। 5 पॉइंट में समझते हैं कौन कितना ताकतवर है। डिफेंस पावर में कौन कितना ताकतवर है। चीन और ताइवान की डिफेंस पावर की तुलना करें तो ताइवान उसका 10% भी नहीं है। चीन के पास करीब 20,35,000 जवानों वाली एक्टिव फोर्स है। वहीं ताइवान में आगरा 1,69,000 है। सिर्फ सेना के जवान ही नहीं, टैंक, लड़ाकू विमान और सबमरीन रखने के मामले में भी चीन ताइवान से कहीं आगे है। कितना है दोनों का रक्षा बजट। चीन दुनिया का ऐसा देश है जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करता है, जबकि ताइवान का रक्षा बजट चीन से 15 गुना तक कम है। ताइवान ने रक्षा बजट के लिए अपनी जीडीपी का 3% तय किया हुआ है। इस लिहाज से देखें तो चीन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी बौखलाया हुआ है क्योंकि ताइवान को अमेरिका का साथ मिला है। उसे लगता है भविष्य में अगर वह ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। इस मामले में चीन का बॉस है ताइवान। ताकत के मामले में ताइवान भले ही पिछड़ा हो, लेकिन तकनीक के मामले में चीन से कहीं आगे है। ताइवान की सबसे बड़ी ताकत है सिलिकॉन शीट। ये ताइवान का उद्योग है। ये ताइवान की ताकत इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में लड़ाकू विमान और सोलर पैनल से लेकर वीडियो गेम्स और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने तक में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसे ताइवान ही तैयार करता है। दुनिया के 90% सेमीकंडक्टर ताइवान में बन रहे। ताइवान एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाने में दुनिया भर में सबसे आगे है। इसे आंकड़ों से समझा जा सकता है। दुनिया भर में हर साल करीब 1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 90% हिस्सा ताइवान का है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो पूरी दुनिया को तकनीक के क्षेत्र में खासा घाटा होगा। इसका सीधा असर चीन पर भी पड़ेगा। यही वजह है चीन ताइवान को डराता तो है लेकिन हमला नहीं कर पाता। चीन को ये डर है। चीन को डर है कि अगर उसने हमला किया तो सेमीकंडक्टर और दूसरी चीजों का उत्पादन प्रभावित होगा। इसका असर गहरा होगा। भले ही वो ताइवान को जीत ले, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों से उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे।